अखिल भारतीय श्री टांक महासभा महिला संगोष्ठी और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन आज अजमेर में किया गया। जयपुर रोड स्थित टांक स्कूल में आयोजित महिला संगोष्ठी में देश भर की महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, इसे लेकर विचार विमर्श किया गया। अखिल भारतीय श्री डाक महासभा से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि हर चित्र में पुरुष अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन महिलाएं अपने आप को कमजोर समझती हैं। ऐसे में इन सभी महिलाओं को जागृत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ ही राजनीति, धार्मिक, सामाजिक व अन्य सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आगे बढ़े, इसे लेकर विचार विमर्श किया जाना है। साथ ही इस मौके पर महिलाएं किस कारण से पीछे हैं और उन्हें क्या आवश्यकता है, इसकी जानकारी भी दी जा रही है, जिससे कि वह पुरुषों के समान हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभा सकें। 2 दिवसीय महिला संगोष्ठी के दौरान विभिन्न राज्यों से पहुंची महिला पदाधिकारियों की ओर से जानकारियां दी जाएगी। वहीं इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभावान बालक बालिकाओं का भी सम्मान किया जाएगा। मैडम, किस तरीके की संगोष्ठी रखी गई है महिलाओं की? ये आज हमारे टांक महासभा के भवन में महिला संगोष्ठी रखी गई है, सभी बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए और सभी जो भी अभी आज बच्चे हैं उनको जो गोल्ड मेडल मिला है उनका भी सम्मान करने के लिए, बच्चे आगे बढ़े और महिलाएं भी आगे बढ़े और कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रोग्राम रखा गया है। सारे समाज के इकट्ठे? हाँ, हमारे समाज के करीब करीब 19 क्षेत्र हैं, उनमें से बहुत सारी लेडीज आई है और पहला प्रोग्राम है, उसके आगे भी हम प्रोग्राम करेंगे, भगवान सफल बनाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है हमारा। और मेरा नाम मंजू टांक है, मैं उदयपुर से हूँ, महिला अध्यक्ष हूँ टांक महासभा की। और प्रोग्राम किस तरीके का आयोजन रखा है? जी, ये अखिल भारतीय टांक महासभा, उसके जितने भी क्षेत्र हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उन सभी का क्षेत्रों का यहाँ पे सहयोग रहा है। और ये आयोजन मुख्यतः महिलाओं को टारगेट करता है कि समस्त क्षेत्र से महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आए, क्योंकि अक्सर यही होता आया है कि पुरुष ही हर क्षेत्र में आगे रहा है, महिलाओं की इतनी भागीदारिता समाज में नहीं हो पाती। तो इस हेतु महिलाएं का अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाए और समाज के अंदर अपनी भागीदारीता निभाए, इस हेतु ये आयोजन रखा गया है। इस आयोजन के अंदर महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, प्रत्येक क्षेत्र से महिलाएं अपनी जागरूक महिलाओं के साथ यहाँ पे उपस्थित हुई है और इन्होंने अपने विचार विमर्श के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुति प्रस्तुत की है, जिसके तहत उन्होंने जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में जो मुख्यतः परेशानी आती है या जिन समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं महिलाओं के द्वारा, वो पॉसिबल है उन्हीं समस्याओं के साथ और उनके उपायों के साथ यहाँ पे उन्होंने अपने विचार विमर्श यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। और ये 2 दिन का जो आयोजन यहाँ पे रखा गया है, उसमें आज के आयोजन के अंतर्गत जो हमारे वरिष्ठ जन है, यानी कि जो 75 वर्षीय है, उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। और दूसरी कड़ी के अंदर यहाँ पे जो भी हमारे समाज में प्रतिभावान बालक या बालिकाएं हैं जिन्होंने स्टेट लेवल पे कुछ अचीव किया है, यानी गोल्ड मेडल या रजत पदक उन्होंने प्राप्त किया है, उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और उन्हें सम्मान दिया जाएगा। इस तरीके से हमारा आयोजन ये बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है और उम्मीद करते हैं ऐसे ही हमारे आयोजन अगली आगामी कड़ियों में होता रहेगा और इस आयोजन को हम सफल बनाने का प्रयास करेंगे। मैं किशनगढ़ क्षेत्र से महिला अध्यक्ष पद पर अनीता टांक।